फ्रेंड्स, आज जो आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं वो पेड़ों की है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक पार्क में गई थी शाम को या सुबह टहलने जाती हूँ, तो मैं सुबह सुबह टहलने गई थी। वहाँ पे एक माली अंकल थे जो पेड़ों को साफ करके जो उसके पत्ते निकलते हैं उनको बटोर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल, इन पत्तों का आप क्या करते हैं? तो कहने लगे कि दीदी, मैं इन पत्तों को बटोरता हूँ, कुछ को तो मैं इस खाद के लिए डाल देता हूँ और कुछ को जला देता हूँ, तो जो उसी राख होती है मैं उन पेड़ों में डालने के लिए काम आ जाती है। तो इस तरीके से दीदी, वो पेड़ों के पत्ते जो है हमारे दोनों ही काम आ जाते हैं। एक जलाने के से हमारे कीड़े मकौड़े मर जाते हैं, वो डालने से उसकी खाद में डाल देते हैं और दूसरी खाद तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से पेड़ों का अपना सेविंग कर लेते हैं दोनों तरीके से, सफाई भी हो जाती है। तो हमने बड़ी सीखी उनसे अच्छी। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जो घर पे पेड़ पौधे लगाते हैं और उसकी जो खाद बनाने के लिए उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको ना फेंक करके उसको इकट्ठा करो और उससे उसकी खाद बनाओ, उसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो ये करने लगी जब से, बड़ा सा बाउल लेती हूँ और उसमें जो है सूखे पत्ते मेरे घर के पेड़ पौधों के हैं डालती रहती हूँ। जब ज़्यादा सूख जाता है तो उनको छत पे जला करके उसी घास में वापस पेड़ों में डाल देती हूँ, तो सेविंग भी हो जाती है। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी और ये जो सीख मैंने दी है आज अच्छी लगती है और मोटिवेट होते हैं उससे आप लोग, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।